Hi guys, welcome back to my channel. This is Anjali and thank you so much for watching this video. और अपने आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को भी दे दीजिए अपना थम्स अप, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूले गाइज, एंड यस आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है Anjalibishtsamant। तो चलिए अब बात करते हैं आज की वीडियो की। हेयर एंड स्किन प्रॉब्लम, यस गाइज, हेयर एंड स्किन प्रॉब्लम एक ऐसा प्रॉब्लम है जिससे ज्यादातर लोग परेशान रहते हैं और चाहते हैं एक स्ट्रॉन्ग हेल्दी हेयर एंड ब्यूटीफुल स्किन। और इसके लिए हम मार्केट में अवेलेबल बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं या ऑप्शंस हैं वो ट्राई करते हैं और अपनी स्किन और हेयर को और ज़्यादा केमिकल से हार्म पहुंचा लेते हैं। एंड यस, हम कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है कौन सा नहीं अच्छा है। तो यस, अपने आज के इस वीडियो में मैं आपसे ऐसे दो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल प्रोडक्ट्स शेयर करूंगी जो कि हम लोग सालों से यूज करते हैं एंड सीरियसली गाइस बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचाते हैं हमारी स्किन को और हमारे हेयर को। Yes, मैं बात कर रही हूँ इन दो ऑयल्स की, एक है कैस्टर ऑयल और दूसरा है ऑलिव ऑयल। तो ये जो दोनों ऑयल हैं गाइस, ये सिर्फ आपके हेयर ग्रोथ या फिर हेल्दी हेयर के लिए ही यूजफुल नहीं है, ऑफ कोर्स हो तो है ही, बट उसके साथ ही आपकी ऑल ओवर बॉडी, आई मीन हेड टू टो को भी बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाते हैं। या आपकी पूरी की पूरी बॉडी की जो स्किन है उसको, आपके फेस को, आपकी आईब्रोज, आई लैशेस और नेल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और मैं इसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं कि दोनों ही बॉटल्स ऑलमोस्ट फिनिश होने वाले हैं, इतना ऑयल बाकी है। तो मैं बहुत टाइम से इसे यूज़ कर रही हूँ और यस, मुझे इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे इसका जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करना चाहिए। सो दैट कि अगर आप भी स्किन प्रॉब्लम और हेयर प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और चाहते हैं एक ऐसा यू नो नेचुरल एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो आपको फ़ायदा पहुंचाए, तो यस डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो सकता है। दोनों जो ऑयल हैं वो हैं ग्रीन बेरी ब्रांड के, जो कि मैंने ऑनलाइन लिए हैं अमेजोन से, और इन दोनों का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप चाहें तो वहाँ से जाके इनको परचेज कर सकते हैं। और ये मार्केट में भी इजिली अवेलेबल है, तो आप चाहें तो जाके वहाँ से भी ले सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब स्टार्ट करती हूँ मैं वीडियो आगे का और आपको बताती हूँ कि क्या क्या फ़ायदे हैं ये दोनों ऑयल यूज़ करने के और इन्हें कब और कैसे यूज करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल एक वेजिटेबल ऑयल है जो कि कैस्टर बीन्स से निकाला जाता है। इसमें मौजूद फैटी एसिड्स स्किन को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज करते हैं और एक बहुत अच्छा नरिशिंग ऑयल है ये हमारी स्किन और हेयर के लिए। इसके अलावा कैस्टर ऑयल में मौजूद होते हैं विटामिन ई, प्रोटीन, ओमेगा 6 और ये एक एंटी बैक्टीरियल ऑयल भी है। अब बात करते हैं ऑलिव ऑयल की। ऑलिव ऑयल को लिक्विड गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है और इसे ऑलिव बीन्स को क्रश करके निकाला जाता है। ऑलिव ऑयल हमारी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। ऑलिव ऑयल में बहुत सारे नेचुरल विटामिन्स और मिनरल होते हैं और कुकिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है। बालों और स्किन के लिए भी ऑलिव ऑयल बहुत ज़्यादा उपयोगी है। कैस्टर ऑयल एंड ऑलिव ऑयल दोनों ही बहुत ज़्यादा यूजफुल है हमारी स्किन और हमारे हेयर के लिए। आप चाहे तो इसे अलग अलग भी यूज़ कर सकते हैं या आप चाहे तो इन दोनों को मिक्स करके भी लगा सकते हैं। ये दोनों ही ऑयल एक्ने और पिंपल को कम करके एक हेल्दी शाइनी स्किन हमें देते हैं, रिंकल्स और फाइन लाइंस को कम करने में भी हेल्प करते हैं। इन दोनों ही ऑयल को यूज़ करके हम हेयर फॉल को कम करके एक स्ट्रॉन्ग और हेल्दी हेयर पा सकते हैं। इसके साथ ही हमारी आईब्रोज, आई लेशेस को भी और ज़्यादा थिकर और लॉन्ग करते हैं और साथ ही साथ हमें एक शाइनी और स्ट्रॉन्ग नेल्स भी देते हैं। ये दोनों ही ऑयल एक बहुत अच्छे लिप सीरम का काम भी करते हैं और क्रैक हिल से भी हमें छुटकारा दिलाते हैं। तो इस तरह से ये दोनों ही ऑयल्स हमें बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचाते हैं। बहुत अच्छे मॉइस्चराइजर हैं ये, एंटी एजिंग ऑयल्स हैं, मेकअप रिमूवल का काम भी करते हैं और हमारे बालों के लिए एक बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। क्योंकि कैस्टर ऑयल एक बहुत ही थिक ऑयल होता है, इसलिए मैं कैस्टर ऑयल एंड ऑलिव ऑयल इन दोनों को ही मिक्स करके यहाँ पर यूज करूंगी। तो आप भी डेली सोने से पहले अपने लिप्स पे कैस्टर ऑयल
या ऑलिव ऑयल या फिर इन दोनों को मिक्स करके इस तरह से मसाज कर सकते हैं। ये आपको एक सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल लिप्स देंगे। उसके साथ ही साथ आप इसको अपनी आईब्रोज में और अपनी आई लैशेस पे भी यूज करिए। तो डेफिनेटली अगर आप इसको रेगुलरली ऐसे यूज करेंगे तो आपके आईब्रोज एंड आई लैशेस दोनों ही थिकर, लॉन्ग और ब्यूटीफुल होगी। हमारे नेल्स के लिए भी ऑलिव ऑयल एंड कैस्टर ऑयल बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। तो आपको ये ऑयल लेके इस तरह से अपने नेल्स पे मसाज करनी है। तो अब मैं इन दोनों ही ऑयल्स को बराबर क्वांटिटी में मिक्स कर रही हूँ और अब मैं मसाज करूँगी इन दोनों ही ऑयल से अपने फेस पे। तो आपको भी डेली इसी तरह से मसाज करनी है इन दोनों ही ऑयल से अपने फेस पे। और बहुत अच्छा होगा अगर ये आप सोने से पहले करें, सो दैट कि ओवरनाइट आपको इन दोनों ही ऑयल्स के जो बेनिफिट हैं वो आपकी स्किन को मिल सके। इन दोनों ही ऑयल्स के यूज से स्किन बहुत ज़्यादा शाइनी एंड सॉफ्ट होगी एंड यस, साथ ही साथ फाइन लाइन्स और रिंकल्स भी रिमूव होंगे। आप कर लेते हैं हेड मसाज। उसके लिए आप चाहे तो इन दोनों ऑयल्स में कोकोनट ऑयल भी मिक्स कर सकते हैं या फिर सिर्फ कैस्टर ऑयल और ऑलिव ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कोकोनट ऑयल भी यूज़ किया है सो दैट कि मुझे तीनों ऑयल्स के बेनिफिट मिल पाए। जब भी आप हेड मसाज करें गाइस, तो सिर्फ ऊपर ऊपर से बालों में ऑयल नहीं लगाएं, बल्कि बहुत अच्छे से अपनी फिंगर टिप्स पे ऑयल लेके अपने स्कैल्प पे मसाज करें। हेड के बैक साइड में भी मसाज करना अच्छे से बहुत ज़रूरी है। एंड यस, बालों की रूट्स पे एंड स्कैल्प पे तो मसाज करना ज़रूरी है ही, बट उसके साथ ही साथ आपको अपने पूरे बालों पे भी ऑयल को अच्छे से अप्लाई करना है और मसाज करना है सो दैट कि आपके पूरे के पूरे बाल मॉइस्चराइज हो और ब्यूटीफुल बने। और अब मैं इस टॉवल की हेल्प से अपने बालों को स्टीम दूंगी। मैंने अपने इस हेड टॉवल को गर्म पानी में डुबो लिया है और उसके बाद मैं इसे अपने सर पे 15-20 मिनट्स लगे रहने दूंगी। ये हेड टॉवल बहुत ही अच्छा रहता है आपके बालों को स्टीम देने के लिए। इवन हेयर वॉश के बाद भी आप इसको इजीली अपने बालों पे टाई कर सकते हैं। एंड रेगुलर बाथिंग टॉवल हम यूज़ करते हैं उससे मच बेटर है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी गाइस, आप चाहें तो वहाँ पर जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो देखा गाइस कितने ज़्यादा यूजफुल हैं ये दोनों ही ऑयल्स, कैस्टर ऑयल एंड ऑलिव ऑयल। आप चाहे तो इन दोनों को मिक्स करके लगा सकते हैं या फिर आप इनको कोकोनट ऑयल के साथ भी मिक्स करके लगा सकते हैं या फिर आप चाहे तो इन तीनों को मिक्स करके एक साथ भी लगा सकते हैं। इनको अप्लाई करना बहुत ही ईजी है, ईजिली अवेलेबल है मार्केट में और बहुत ही ज़्यादा फायदा पहुँचाते हैं आपके स्किन को और आपके हेयर को। तो यस, डेफिनेटली आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। एंड आई स्टीमिंग के लिए लगाया हुआ है ये टॉवल जिसको मैं निकालूंगी आफ्टर 15-20 मिनट्स। सो अगर आपको यूजफुल लगा है ये वीडियो तो प्लीज़ इसको एक लाइक दे दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। मैंने आज ऑयलिंग डे टाइम में की है तो मैं इसको आज पूरा दिन, आज की पूरी रात लगे रहने दूंगी हेड पे और नेक्स्ट डे वॉश करूंगी। अगर मैं रात में ऑयलिंग करती हूँ तो उसको भी ओवरनाइट रखती हूँ और नेक्स्ट डे वॉश करती हूँ। और आप भी ऐसा करिए, अगर जब भी आप ऑयलिंग करें तो उसको 8-9 घंटे अपने सर पे लगे रहने दीजिए सो दैट कि ज़्यादा बेनिफिट्स मिले आपके हेयर को। तो यस गाइस, जल्दी मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, यूजफुल वीडियो में। तब तक के लिए बाय, हैप्पी हेयर, हेल्दी स्किन एंड यस, लव योरसेल्फ एंड बी योरसेल्फ। बाय बाय।